साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं, दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं। ये नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी कर रही है, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और अपना भी समय जाया कर रहे हैं। वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। इनको मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। जेल से सरकार नहीं चल सकती है, ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल ने, और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर कानूनी कोई अड़चन नहीं है तो बने रह सकते हैं, और इलेक्शन से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी सिद्ध करती है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से घबरा रही थी। सरकार नहीं चल रही, आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है, इस्तीफा देना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।